बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लिव लाइक शमा। तो ये देखें हमारे पास भी जो आई थी रौनक, तो मेरी ये छोटी बेबी है उसके तो ये और ही ज़्यादा रौनक लगी। कभी उनकी आईज़ में उंगलियाँ मारती है और खुश होती है, और कभी उनके ईयर में उंगलियाँ मार के खुश होती है। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये मेरे से भी छोटी कौन सी मखलूक घर में आ गई है। और जो छोटी मखलूक है वो अब जो कुछ आँखें भी उन्होंने खोली और कुछ थोड़ा थोड़ा चलने के भी काबिल हो गए हैं, तो हमारे बच्चों की तो एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो गई। उन्होंने कहा कि उफ ये क्या हो गया, हमारे हम छोटे बहन भाई हैं और ये हमसे भी छोटे इतने ज़्यादा आगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह नज़रे बस से बचाए और अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। बहुत ही प्यारी हमारे घर में रौनक लगी है, देखिए जी क्लैपिंग होने लग पड़ती है जब मेरी बेटी खुश होती है। आइजल को बहुत अच्छा लगता है और आइजल आपको बहुत ही एक्साइटेड नज़र आती होगी जब भी इनके पास होती है अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्नों के भाई। ये देखिए इतना खुश होती है, उनको हाथ लगा के वो यूँ समझती है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, तो इसलिए वो बहुत खुश होती है। तो ये तो प्यारी सी रौनकें हमारे घर में आई हैं और हमें बहुत अच्छा लगे। हमारी ब्रोनी हमारे घर में आई और अल्लाह के कुदरत है कि वो कैसे हमारे घर में आई, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो मैं कभी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और जब बच्चे बाहर लेके आएँ तो फिर ब्रोनी बेचारी जो है वो उसको हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि उफ मेरे बच्चे कहाँ लेके आ गए हैं ये बाहर अपने पास। तो ये देखें जी एक एक बच्चा लेके वो शिफ्ट कर रही होती है अपना वापस, लेकिन मेरे बच्चे ये देखें जी वो जो टेबल के पीछे छुप रही है और लाउंज में हमारे आई भी। और ये देखें जी साथ में ही शुरू होगी हमारी बर्थडे मेरी छोटी बेटी की आइजल की। आइजल मेरी होगी है माशाल्लाह माशाल्लाह 1 ईयर की। हैप्पी बर्थडे टू आइजल। तो सारे तीनों बहन भाइयों के साथ हम इसकी मना रहे हैं जी बर्थडे। और बर्थडे क्या होती है बच्चों के लिए, बस केक हो तो उनको लगता है कि बर्थडे ही बर्थडे है उनकी, बस केक होना चाहिए और कुछ नहीं, और वो भी उनकी उनकी पसंद का केक। और एक साइड पर जो आपको चॉकलेट नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से हमने हमारे बच्चों ने केक आते ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, तो ये केक की एक साइड जो है वो खाली हो गई। तो खैर जी बच्चे हमारे घर में ऐसा होता है। अब ये देखें जी ये ब्राउनी के बेबी को मेरी बेटी मॉर्निंग वॉक कह लें या इवनिंग वॉक पे लेके निकली हुई है। ये देखें जी अपनी गाड़ी में उसने, अपनी हैंड गाड़ी में उसने एक ब्राउनी का बेबी बिठाया और उसको सैर कराई जा रही है। कभी बाहर हम लेके आए थे उसको लाउंज की सैर कराई है बेबी को हमने। ये बेबी इसका ये वाला जो है ना बेबी, आई डोंट नो ये बेबी मेल है या फीमेल, लेकिन ये बेबी बहुत तेज़ है इसका। तो ये रूम में भी जब हम जाते हैं जिस रूम में हमने ये रखे हुए हैं सारे, तो वहाँ भी सबसे पहले ये हमारे पीछे 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 घूमता है। ये देखें जी गाड़ी वाला ड्राइवर जो है वो थक गया और थक के बेबी को जो किटन है उसको छेड़छाड़ कर रहा है कि ये थोड़ी सी उसके साथ सांस भी थोड़ा सा बहाल हो जाए। ये देखें जी फिर इसको छेड़ के फिर खुश होती है कि ये क्या करती है, रिएक्शन करती है या नहीं करती है। तो खैर ये तो छोटी मासूम है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता माशाल्लाह। मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा डर लगता है क्योंकि बेबी से बहुत छोटे हैं किटन हमारे, लेकिन मेरी बेटी जो है माशाल्लाह इसको डर नहीं लगता, मेरे बेटे को भी डर नहीं लगता माशाल्लाह, उसको हाथ में उठा लेता है। लेकिन इनकी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, किटन्स की भी केयर ज़रूरी है लेकिन अपने बच्चों की उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो पर्शियन होते हैं इनके पर्शियन के बालों का बहुत मसला होता है कि इनके हेयर्स बहुत गिरते हैं, तो इसलिए इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि ये बच्चों के हैंड वॉश करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बहरहाल जी अब हम ये शिफ्ट कर रहे हैं बेबी उसके अपने रूम में जहाँ पे उसके बाकी बहन भाई हैं और जहाँ पे उसकी मामा है। ये देखें जी उसको हम गाड़ी से, उसकी गाड़ी जो है वो लैंड कर गई है, उसका जो उसका क्या कह सकते हैं उसका स्टॉप आ गया है अपने घर का। तो ये मेरी बेटी उसको बिल्कुल घर तक ले के आई है। ये देखें हमने पूरा काम किया है अपना, वो ड्राइवर हमारा थोड़ा थोड़ा थक जाता था रास्ते में, लेकिन खैर उसको बहन भाई जो थे वो ये देखें ब्राउनी के हमारे पे बहुत एतबार, वो कहती है ठीक है खैर है कुछ नहीं कहते मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों के बहुत वेल विशर हैं। उसका बेबी देखे उसका दिल था कि मैं कोई एक छोटा सा जंप लगाऊँ और नीचे गिर जाऊँ और नीचे। आइजल दादाजी ऊपर चला के ऐचे, चल अब करो अब दादाजी गुड। आज क्लैप करो क्लैप।